वेलकम टू जेत मिडिल क्लास डियर छात्रों, फाइनली आपके लिए क्लास आपका नाइन्थ का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। सेट ए का क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 2024 का 19 सितंबर का क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम पेपर यहाँ पे जो हिंदी का था, यहाँ पे आपके हर जिले पर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके वहाँ भी सेट पे बन रहे हैं, तो इसलिए आपके तहसील में भी क्या हो रहे हैं, आपके पेपर चेंज हो जा रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, हम यहाँ पे जो है ना आपको 2 से 3 सेट में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अथवा सहित प्यारे रसगुल्लो पढ़ लोगे तो यकीन करो गारंटी है कि जीत मिडिल क्लास आपको टॉपर बना देगा। पूरे 75 में से 75 नंबर आप लेके आ सकते हो। देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है, रीडिंग सेक्शन, 5 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया गया है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे आधुनिक जमाने में, देखिए यानी विज्ञान के जमाने हम यहाँ पे रह रहे हैं, और एवरीडे न्यू इन्वेंशंस, और प्रत्येक दिन क्या होता है, नए खोज होते हैं, ठीक है। और किसके लिए, देखिए आपका यहाँ पे ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, आपका मानवता के अच्छाई के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और जो देखिए यहाँ पे इन्वेंशन की बात कर रहा है, यहाँ पे वैज्ञानिक आपका जो खोज है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, 1789 से पहला आपका यहाँ पे क्रांतिकारी परिवर्तन आया, कहाँ पे, आपका यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल में, उद्योग में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, और देखिए विथ इन दी 200 वर्ष, अब देखिए 200 साल आपका यहाँ पे हो चुका है, बहुत सारे यहाँ पे विज्ञान में यहाँ पे प्रोग्रेस हुए, यानी आपका यहाँ पे क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। द एरोप्लेन इज द मोस्ट इन्वेंशन साइन ड्यूरिंग मॉडर्न, और देखिए आधुनिक समय में ना जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, सबसे बड़ा आपका एक खोज माना जाता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे सबसे तेज देखिए आपका इन द फास्टेस्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट नोज फॉर, और ये देखिए आज का सबसे ज़्यादा आपका जो है तेजी से यहाँ पे पहुँचाने वाला ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन का साधन है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए आपका ये कैसा उड़ता, देखिए एरोप्लेन सिंपल फ्लाइंग बर्ड शेप, यानी आपका पक्षी के शेप में यहाँ पे रहता है, इनसाइड देयर सीट, इसमें बहुत सारे शेप होते हैं, पैसेंजर भी होता है, और केबिन फॉर द पायलट, और एक आपका पायलट भी होता है, और जो जहाँ पे केबिन आपका होता है ना उसे कॉकपिट कहते हैं। और इंजन देखिए यहाँ पे पेट्रोल से चलता है, ये बताया गया है, और इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे बहुत तेज चलता है, ये बताया गया, बहुत फास्ट होता है, और रन्स रनवे सम डिस्टेंस गेदर स्पीड, और देखिए जैसे रनवे से थोड़ा सा उठता है स्पीड पकड़ लेता है, और देन सडनली होप्स ऑफ द अर्थ एंड टेक ऑफ, और टेक ऑफ कर लेता है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, तो पूछा यह गया है कि यहाँ पे जो है ना पहली बार यहाँ पे उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन कब आया, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1789, तो आप आंसर यहाँ पे 1889 नहीं करेंगे, 1879 भी नहीं करेंगे, ना तो 1789 आप करेंगे इसमें 1789, ठीक है। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपका जो केबिन होता है इसे देखिए क्या कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं, क्यूबिकल कहते हैं, चैम्बर या फिर आपका क्यूब कहते हैं। तो देखिए सिंपल सा आपका जो आंसर करना है इसमें, देखिए जो पायलट यहाँ पे आपका यहाँ पे रहता है, तो उसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए कॉकपिट लिखा है इसमें, देखिए द केबिन इज कॉल्ड कॉकपिट, तो आपको आंसर देखिए इसमें कॉकपिट करना है। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन इन वर्ड, देखिए आपका जो एरोप्लेन है किससे चलता है, तो आप जानते हैं पेट्रोल चलता है, यहाँ पे दिया भी गया, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है, ये देखिए पेट्रोल लिखा है, इंजन दैट वर्ड बाई द पेट्रोल। और इसी के साथ देखिए आपका वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल है, कि देखिए आपका सबसे तेजी से चलने वाला एरोप्लेन है, शिप या फिर ट्रेन है, तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका एरोप्लेन हो जाएगा। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ, देखिए साइंस होगा है ना, एज ऑफ साइंस कहाँ पे लिखा है, देखिए आपका तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना, मॉडर्न इरा होगा, एज ऑफ इन्वेंशन भी नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा एज ऑफ आपका साइंस होगा। इसी के बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवेन, 5 नंबर क्वेश्चन है, भोला इज द फार्मर वांटेड सो ही फेल्ड, ही डिसाइडेड आस्क फ्रेंड हेल्प फर्स्ट द बेंड डिनर आर्ट ही आस्क्ड माय डियर फ्रेंड्स यू कैन हेल्प। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसका आपको देखिए सिंपल सा आपको आंसर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है, इसने क्वेश्चन पूछा है हु वांटेड टू सो वेट, तो देखिए आपको जो आंसर है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका पहले का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, भोला हो जाएगा, तो आप आंसर देखिए इसमें आपका यहाँ पे आंसर भोला कर दीजिएगा। हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला पहले किससे मिला, तो आपका देखिए इसमें दीनानाथ से मिला था, आपको इसमें पढ़ेंगे, देखिए आपका लिखा है ना यहाँ पे आपका
इस प्रकार से आपको आंसर भी लिखा है कि पहली बार आप दीनानाथ से मिला था। और इसी के साथ देखिए आपको इसमें लिखा है डिड दीनानाथ हेल्प भोला, कैसे यहाँ पे हेल्प किया, तो इसके बारे में देखिए आपको यहाँ पे क्या हेल्प किया कि नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए नहीं किया था। और हु वेयर भोला अदर फ्रेंड, उसके अदर फ्रेंड के नाम कौन थे, देखिए आपका चंदन था, यहाँ पे आपका एक चंदन हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे पप्पू हो जाएगा। और इसके बाद देखिए व्हेन डिड भोला फर्स्ट साउट, देखिए यस, तो आपको देखिए आपको यहाँ पे ईटिंग करा। तो इस प्रकार देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर यहाँ पे ये यह आपके सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप देख लो क्वेश्चन दो का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन बी में चलते हैं, देखिए सेक्शन बी में क्या लिखा है, राइटिंग सेक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन आपको देखिए इसे पढ़ना है और यहाँ पे इसका आंसर भी देना है। तो आपको देखिए क्या लिखा है, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में इसे पूरा आपको दिया गया है और इसमें देखिए पूरा आपको इसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये कहाँ पे, देखिए सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में है, मलकाई आपका रेंज इसमें लिखा हुआ है, जो कान्हा आपका देखिए राष्ट्रीय उद्यान है इसी के बारे में। और देखिए द हार्ट ऑफ इंडिया, और ये देखिए आपका जो है ना यहाँ पे भारत के मध्य में आपका स्थित है, नेशनल पार्क बींग पॉपुलेशन एट द टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे देखिए टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है साथ में, क्योंकि यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। और इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे लिखा है कालघाट कान्हा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट, आपका कब बना था, 1879 में बना था, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1933 में बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए आपको आगे आपके यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे देख लेना है, क्वेश्चन देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द एबव पैसेज, इसका देखिए आपको पैसेज कैसे करना है। तो देखिए आपको इसका पैसेज आपको यहाँ पे ये कर देना है, रेंज ऑफ सतपुड़ा इन MP, द सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, द टाइगर रिजर्व हो गया, और द फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ एरिया हो गया डिक्लेयर रिजर्व 1879 में, और सराउंडिंग द लग्जीरियस और ब्यूटीफुल एंड एड्रोबल। इस प्रकार से आपको आंसर देखिए आपको देना है। टाइटल हो जाएगा आपका देखिए द जंगल बुक, यहाँ पे द जंगल बुक कान्हा नेशनल पार्क है, आपका टाइटल लिखना है। इस प्रकार से आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर क्या दिया है, इसमें दिया है आपका नाम निशी है, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल मुरैना में पढ़ती हैं, और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है इशू बुक बुक बैंक के लिए, ठीक है। या फिर आप अथवा का देखिए यहाँ पे आपको मैरिज सेरेमनी का सिस्टर के बारे में लिखना है, तो सिंपल सा देखिए आप इसका भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए आंसर यहाँ पे कर लेना, ठीक है। ये आपका अथवा वाले क्वेश्चन का आपको हो जाएगा, आपका नाम देखिए यहाँ पे राहुल है, और बिहाइंड गवर्नमेंट भिंड हॉस्टल भिंड, आपको देखिए दोस्त को आपको यहाँ पे मैरिज, देखिए दोस्त को बुलाना है अपने बहन की शादी के लिए, तो आपको इसका आंसर कैसे करना है देखिए आपको मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ। तो इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक रिस्पेक्टेड, आई वेक टू सी दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम स्टूड इन मिडिल एग्जामिनेशन, और यहाँ पे देखिए पूरा आपको आंसर ये लिखना है। और इसके बाद देखिए आपको इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिस्टर की मैरिज में आपको बुलाना दोस्त को, 25 नंबर के देखिए उसकी बहन की शादी होने वाली है तो वो इनवाइट कर रहा है। और इस प्रकार से आप ध्यान से आप जो है ना इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद देखिए अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से जाकर आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला दिया गया है आपको एक ऐसे लिखना है 100 वर्ड में इंडियन फेस्टिवल के बारे में, वंडर ऑफ साइंस के बारे में, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज के बारे में, फिर माई हॉबी के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है ना इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे बंडर ऑफ साइंस के बारे में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर अब देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए तो आपको पहले पॉइंट लिखना है इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन आपका ये, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड सर्जरी, कंप्यूटर्स, एटॉमिक एनर्जी, एज अकर्स, और आपका कंक्लूजन। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए इसके पूरे आपको आंसर करने पड़ेंगे, और ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो कर लेना इंट्रोडक्शन आप पहले लिख देना, इसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशन लिख देना, देखिए पूरे आपको इस इतने पॉइंटों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, इट हैज मेड प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड, इट हैज चेंज वे ऑफ लिविंग, देयर आर मैनी वंडरफुल थिंग्स इन्वाइटेड बाई साइंस, साइंस प्लेज देखिए इंपॉर्टेंट रोल इन द आवर डेली लाइफ, इट हैज मेड लाइफ इजियर एंड द मोर कम्फर्टेबल। तो आपको देखिए इस प्रकार आपको पॉइंट में आपको पूरा लिखना है, मेन सब कम्युनिकेशन, मेडिकल इन सर्जरी, कंप्यूटर्स, एटॉमिक एनर्जी, एज क्योर, और आपका कंक्लूजन। तो आपको देखिए आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, देखिए आपको इसमें आपको एक देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, आपको पैराग्राफ लिखना है कितने वर्डों में, देखिए आपको 75 आपको वर्ड में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो पहले ये क्वेश्चन देख लो आपको यहाँ पे, ये आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए आपको ये आपका दिया गया है,
इसी को देखकर आपको लिखना है। इसका आंसर कैसे करेंगे देखिए, तो आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हेल्थ के बारे में पूरा आपको लिखना है, तो हेल्थ के बारे में आपको देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप ध्यान देख लो और इनके पूरे आंसर इसे याद कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए आपका सातवां आता है सेक्शन सी। तो देखिए आपको जो इसका वीडियो है ना आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा सेक्शन सी का। और देखिए इसके अलावा आपके पूरे आंसर क्वेश्चन जो आपका देखिए पूरे आपको बार बार हो गया क्वेश्चन आंसर हो गए, और आपके यहाँ पे देखिए पूरा 16 तक का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेट करिएगा, पार्ट सेकंड जल्दी ही आपके लिए लाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।